जेएसएलपीएस के चियाके स्थित सीएलएफ कार्यालय में कार्यालय अध्यक्ष ममता देवी ने वार्षिक आम सभा आयोजित कर समूह के विभिन्न महिलाओं द्वारा किए गए एक वर्षों के कार्यों की समीक्षा। समीक्षा के उपरांत संकुल के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर रही महिला कर्मियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला प्रबंधक अख्तर अंसारी, भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय सलाहकार अभय अग्रवाल व मेदी नगर सदर उपप्रमुख चरणचंद्र सिंह निराला, आईगा के पलामू जिला अध्यक्ष दीपाली सिंह चौरो सहित द न्यूज रेवल्यूशन संस्थापक अजय सिंह भी उपस्थित। एक वर्षीय कार्यकाल में बेहतर प्रदर्शन करने वालों में बैंक सखी के रूप में कार्यरत सुभाषी ज्योति चंद्रवंशी, जमुने से जनरल सीआईपी गुड़िया कुमारी, सीएलए प्रबंधक रेणु कुमारी, सिंगरा खुद से अकाउंटेंट नीलम कुमारी, जोड़ से एफएल सीआरपी उषा कुमारी तो वहीं निमिया से सीनियर सेतु दीदी माधुरी सिंह सहित क्षेत्र की कई महिला बीओ अध्यक्ष व सचिव को भी किया गया सम्मानित। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर चियाकी स्थित सीएलएफ कार्यालय से है, जहां वार्षिक आम सभा का आयोजन कर चियाकी आजीविका महिला संकुल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला समूहों के एक वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा रिपोर्ट ली गई, जिसके उपरांत बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई महिला समूहों के कर्मियों को प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय सलाहकार अभय अग्रवाल ने उपस्थित समूह के महिलाओं के समक्ष वित्तीय सहायता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें जागरूक किया। तो वहीं जिला प्रबंधक अख्तर अंसारी ने भी संकुल के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिला समूह की महिलाओं से प्रभावित हो उनमें और बेहतर कार्य करने की क्षमता जागृत करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया। बतौर विशिष्ट अतिथि मेदीनगर सदर उपप्रमुख चरणशीतल सिंह राय ने महिलाओं के बीच हर संभव सामाजिक सहयोग का भरोसा दिया। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित आईगा जिला अध्यक्ष दीपाली सिंह चौरण ने महिलाओं को उनके समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें संगठित होने का आग्रह किया व महिला शक्ति को मजबूत करने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के बेहतर आयोजन में चियाकी सीएलएफ अध्यक्ष ममता देवी, ब्लॉक एवं पर्सन कृष्ण कुमार यादव, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर संजय राजन व उषा कुमारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन लेखपाल नीलम कुमारी ने किया। मेदिनीनगर से द न्यूज रेवोल्यूशन संवाददाता विपिन बिहारी सिंह की ये रिपोर्ट। हम शपथ लेते हैं कि हमारे परिवार के प्रत्येक लोग प्रतिदिन स्नान करेंगे, साफ कपड़ा पहनेंगे, हम सभी पानी उबाल कर पिएंगे, बच्चों का नाखून काटेंगे, हर घर में शौचालय बनवाएंगे और उपयोग करेंगे, घर के अगल बगल साफ सफाई रखेंगे, साथ ही पूरे गांव को साफ रखेंगे, हर घर में अगल बगल गंदे को मिट्टी से भरेंगे, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, गर्भवती महिलाओं का प्रसव अस्पताल में ही करवाएंगे, तथा पूर्व पश्चात जांच स्वास्थ्य करवाएंगे। मेरा उद्देश्य फाइनेंशियल अवेयरनेस की ओर है, कैसे आप लोग सही ढंग से वित्त लेन देन करेंगे और मेरा यह भी एक उद्देश्य है कि आप यदि अपने आप को सही वित्त बताओ करेंगे तो वो आपका बचाव भी करेगा। छोटी छोटी सी गलतियां आपको परेशानी में डाल सकती है। ये जितनी भी दुनिया मैं समझता हूं कि आजीविका से संबंधित है और आजीविका का मेन उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है,
इसके लिए भारत सरकार आज नहीं विगत कई दशक से इस पर कार्य कर रही है। समूह के पहले लोग भारत सरकार IRTP के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन कराने का प्रयास किया, लेकिन उस कार्यक्रम में इतने तरह के छेद थे तब उसके बाद स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये गरीबी उन्मूलन। स्वयं सहायता समूह हम लोग महिलाएं को क्यों प्राथमिकता देते हैं? ये तो आज भी हम मानते हैं कि इनमें ईमानदारी पुरुषों की तुलना में अत्यधिक है और इनके द्वारा किए गए कार्य पुरुषों की तुलना में काफी बेहतर हो गया। भारत सरकार भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी अग्रसर है, काफी प्रयासरत है। उनको जितनी भी सहायता देने की आवश्यकता है वो सहायता प्रदान कर रहे हैं। आपको आपकी भागीदारी को लगता है कि राशन दुकान के डीलरशिप वगैरह होता है उसमें भी आपको दी जा रही है और निकट भविष्य में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, निकट मतलब महीने दो महीने के अंदर आपको CSP का भी लाइसेंस इशू किया जाएगा जिसके तहत आप अपने गांव में अपने घर में एक बैंक मिनी बैंक के रूप में कार्य करेंगे। हम जो देख रहे हैं आप लोग तो वही काम कर चुके हैं जो हम करने के लिए निकले हैं, क्योंकि मेरा नाम त्रिपुरारी सिंह खेरो हुआ और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा जो एक स्वतंत्र संगठन है उस संगठन का मैं पलामू जिला अध्यक्ष हूँ। तो हम उस संगठन के माध्यम से सभी लोगों को जो गरीब गुरबे के लोग हैं, पिछड़े हैं, कहीं न कहीं बिखरे हुए हैं, सभी को हम भी संगठित करने का कार्य करते हैं और हम देख रहे हैं कि आप सब लोग एक जगह सभी गरीब महिलाएं संगठित होकर अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए अग्रसर हैं, जो हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस संकुल में जितने भी घर परिवार के लोग होते हैं सबके लिए यह गौरव की बात है कि आप सब एक अच्छे मुकाम की ओर अग्रसर हैं और खुद को स्वावलंबन बना रहे हैं। तो मैं आप सब की उपस्थिति से इस बात को तो महसूस कर रहा हूँ हम सभी लोग कि यहाँ की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती ममता देवी जी, उनका क्रियाकलाप बहुत ही सुंदर और लाजवाब रहा है कि आप सबको एक सूत्र में बांध कर रखने का उन्होंने जो काम किया है और आप सबों का जो आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय है, समानता है, यही जो संगठन का काम है कि जितने भी अगल बगल छोटे बड़े लोग हैं सभी को समान रूप से अधिकार मिलना, अधिकार दिलाना। तो आप सब ममता दीदी के माध्यम से ये सभी समान और अधिकार प्राप्त कर रहे हैं और उस ओर आप सब अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबों को और भी जगह पर दो दो कार्यक्रम, एक शहर में भी कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम लाते आएंगे और हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपनी बातों को नहीं पर यहीं पर समाप्त करते हुए पुनः आप सभी को जोहार और झारखंडी हुआ। उनकी दीदी के लिए भी और हमारी दीदी के लिए भी, जो दीदी नहीं जान रही हैं उन दीदी
प्रॉब्लम क्या है उनको, क्या प्रॉब्लम? अमित सर जी आप आकर के अपने ये पेपर दिखा दीजिए। जो हम सभी मिल करके आज शपथ जो लेते हैं, खास करके इस शपथ पर हम कायम रहें, इस तरह से काम करें, तो शायद हमें लगता है कि हम माताएं बहनें नौजवान साथी अंधेरा से उजाला में जरूर आ जाएंगे। क्योंकि जो हम शपथ ले रहे हैं, हमें क्या करना है, ये अगर महिलाएं घर पर जा करके, चाहे नौजवान साथी हो, जा करके अगर जिस तरह से शपथ लिए, अगर हम आज इसी प्रकार शपथ ले करके घर में अपना काम करें, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, हम अंधेरा से उजाला में आ सकते हैं। ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी माता बहनों को झारखंड के दंडवत जोहार।